वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कंट्रास्टिंग आइडियाज़। ये मैंने लिया है आयर्स राइटिंग स्किल की बुक से, और इसके 3 कंट्रास्टिंग आइडियाज़ बताए गए हैं। ऑल दो, हाउ एवर और नन द लेस। मैं इसके 3 पार्ट्स बनाऊंगी। फर्स्ट हम ऑल दो को कवर करेंगे, ऑल दो के सारे यूजेस बताऊंगी, ऑल दो के सेंटेंस बताऊंगी, इतने ज़्यादा कि आप लोगों को ये आ जाएंगे। ऑल दो एज अ कंजक्शन, मोस्टली ऑल दो एज अ कंजक्शन यूज़ होता है, जिसकी मीनिंग होती है भले से, ताहम, चाहे, हालांकि, के बावजूद, अगरचा। एडवर्ब में इसकी मीनिंग सिर्फ फिर भी करके निकलेगी। अगर आप कोई भी सेंटेंस फिर भी करके निकालते हैं, बनाते हैं, जिसमें कंट्रास्ट हो, जिसका मतलब दो दो ऐसी बातें या दो ऐसे जुमले जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हों, जैसे कि हालांकि मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं फिर भी लोगों की मदद करता हूँ, या दोनों अलग अलग चीज़ें। और आगे इसकी मिसालें देखकर हमें क्लियर हो जाएगा। इसके सिनोनियम में दो, वाइल, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ भी है, जो मैंने यहाँ लिखना नहीं लिखा। यूजेज फार्मूला ऑल दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमेशा इस सेंस में इसको कंजक्टिव क्लॉज कहेंगे। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। पॉजिटिव सेंस क्या हो सकता है कि किसी बंदे ने एक काम ना होने के बावजूद दूसरा काम कर लिया हो। दो ऐसे आइडियाज़ होंगे जिसमें एक नहीं का सेंस देगा, एक हाँ का सेंस देगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है, भले से वो अमीर है लेकिन उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक शख्स जिसके पास पैसे हो लेकिन उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं हो। लेकिन क्योंकि कंट्रास्टिंग है तो हम यहाँ पे ऑल दो यूज़ करेंगे। पैसा है लेकिन क्या नहीं है, दोस्त नहीं है। ऑल दो ही इज़ रिच, ही हैज़ नो गर्लफ्रेंड। कोई नहीं जानता वो कब मरेगी, लेकिन वो जानती है वो मरेगी जरूर। मतलब क्या तय है, उसका मरना तय है, मौत हो मर के रहेगी, क्या नहीं है पता नहीं है। नो वन नोज वेन ही विल डाई, ऑल दो शी नोज शी मस्ट डाई। हालांकि वो गरीब है लेकिन उसने अपनी इज्जत नफ्स पर आँच नहीं आने दी। मतलब वो गरीब है, उसका यहाँ पे एक है पाया जा रहा है, और आँच ना आने देना, ये दूसरा कंट्रास्ट है। ऑल दो शी इज़ वेरी पुअर, शी हैज़ नॉट लॉस्ट हर डिग्निटी। हालांकि मेरी कार बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक दौड़ती बहुत अच्छा है। क्या है, मैंने कहा एक होगी एक नहीं की बात करेगा, दौड़ती बहुत अच्छा है। ऑल दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड, इट स्टिल रन्स वेरी फास्ट। हालांकि वो बीमार था लेकिन फिर भी काम पर गया। क्या था, बीमार है, बीमार होना था लेकिन फिर भी काम पर गया। ऑल दो ही वॉज इल, ही वेंट टू वर्क। हालांकि मैं भूखा हूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरे को आने का इंतज़ार करूँगा। ऑल दो आई एम रियली हंग्री, आई विल वेट फॉर अदर्स। मतलब भूखा तो मैं हूँ लेकिन क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा। वो ये मूवी कई बार देख चुकी है लेकिन अब तक इसके अंजाम को देखकर रोती है, उसके एंड को देखकर रो जाती है। ऑल दो शी हैज सीन दिस मूवी सेवरल टाइम, शी स्टिल क्राई एट द एंड। वो शिकायतें बहुत करती है लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इधर क्या कह रहा है, शिकायतें होने के बावजूद उसके दोस्त का अच्छा होना बता रहा है। ऑल दो शी एक्सप्लेन्स, शी कंप्लेन्स अलॉट, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद फिर भी मैं अच्छे ग्रेड लेती हूँ। ऑल दो आई गेट गुड ग्रेड्स, आई रियली डोंट, अब ना पसंद है लेकिन ग्रेड अच्छे लेती है। दो कंट्रास्टिंग आइडिया है, मुझे देर हो सकती है लेकिन मैं फिर भी पहुँच जाऊँगा। देर भी होगी और वो पहुँच भी जाएगा। आई विल बी देयर ऑल दो आई मे बी लेट, बर्फबारी हो रही है लेकिन मुझे ज़रूर जाना है। यानी होना होना क्या काम क्या हो रहा है, बर्फबारी का, लेकिन जाना ज़रूर है। दो कंट्रास्टिंग है, कोई बर्फबारी में रुक सकता है लेकिन वो नहीं रुक रहा। ऑल दो इट इज़ स्नोइंग आई मस्ट गो, वो बहुत बूढ़ा है लेकिन बहुत सख्त जाना है। बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान कमज़ोर पड़ जाता है लेकिन वो अभी भी सख्त जाना है। कंट्रास्टिंग आइडिया है, कंजक्टिव क्लोज के तौर पर यूज़ हुआ है। ऑल दो ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, उसके दोस्त बहुत है लेकिन वो फिर भी अकेला है। ऑल दो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ही इज़ लोनली, दोस्त होने के बाद बंदा कैसे अकेला हो सकता है, लेकिन वो अकेला है तो उसके लिए हम कंजक्टिव क्लॉज यूज़ करेंगे। ये एक मुश्किल टास्क है लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा। ऑल दो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई विल डू माई बेस्ट। हालांकि वो जा चुकी है लेकिन अब भी मैं उसे सबसे बढ़कर प्यार करता हूँ। वो चली गई है, वो नहीं है लेकिन फिर भी वो प्यार करता है, अजीब है। इसलिए यहाँ पे उसे कंजक्टिव क्लॉज के तौर पर यूज़ किया। ऑल दो शी इज़ गॉन, आई स्टिल लव हर मोर देन एनी थिंग। आप इन सेंटेंस को बार बार देखें और खुद भी इस पर प्रैक्टिस करें कि दो कंट्रास्ट है, मतलब बूढ़ा है, सख्त जान है, दोस्त हैं, अकेला है, टास्क मुश्किल है लेकिन जान लगा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।